जी अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान अली टूर्स एंड टूर चैनल से। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर दोबारा मल्डोवा के बारे में। मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त है इंडिया से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप हो सके तो आप इसे हिंदी में या उर्दू में हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे दें। उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब मैं जो है वो इंशाल्लाह पूरा देने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल के साथ बताऊँ ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। जो उनके क्वेश्चन थे वो बड़े वैलड थे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जी। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड जो मेरे दोस्त अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच जी जी। चलें जी, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो एक एक करके मैं खुद ही क्वेश्चन करूँगा और खुद ही आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन था कि मल्डोवा में कोई नॉन ईयू नेशनल बिजनेस कर सकता है। मतलब एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में है या कोई इंडिया में बांग्लादेश में है, तो वहाँ से वो ये कर सकता है कि वो बिजनेस कर ले वहाँ पे जाके। जी कर सकता है, उनको इनविटेशन चाहिए और उनको 36 मंथ्स के लिए 22,000 यूरोज़ जो हैं वो उनके अकाउंट में होने चाहिए। वो 36 मंथ्स तक वो पैसों को वो लॉक हो जाएंगे, वो आप टच नहीं कर सकते, आप बिजनेस कर सकते हो। एक तो ये है इसका, 36 मंथ्स के लिए 22,000 यूरोज़ 36 मंथ्स के लिए आप लॉक कर देंगे मल्डोवा के बैंक में, आप बिजनेस कर सकते हो। तो वो फिर एक आपके लिए एक स्पेशल बिजनेस इनविटेशन बनेगी, फिर आप वहाँ पे जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे और फिर वहाँ पे जॉब्स जनरेट करेंगे, तो फिर उसके बिहाफ पे आपको रेजिडेंट मिल जाएगा। एक तो ये है। दूसरा है कि कोई मल्डोवियन आपको डी इन्विटेशन दे दे, डी इन्विटेशन दे। डी इन्विटेशन रेजिडेंट ही होता है कि आप वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो और बिजनेस कर सकते हो। बहुत अच्छा कंट्री है बिजनेस के एतबार से, मैं स्लोली स्लोली आपको बताऊँगा। एक तो ये इसका मैथड, इसका ये वे है। तो अगर आपको कोई जानता है, आपका कोई रिलेटिव है या कोई भी आपका भाई है फैमिली से, तो वो आपको डी इनविटेशन दे दे वहाँ से, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। ये दूसरा इसका ये था इसका वे। अच्छा, तीसरा वे बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पे तीन बिजनेसेस मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था। तीन बिजनेसेस जो हैं वो मेरे हिसाब से, मेरी बात जो है वो हरफ़े आखर नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस के एतबार से, मेरा अपना ओपिनियन है कि वो कंट्री बेहतर है। ये मिडल ईस्ट से पैसे कम लगेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, आप बैठ के अच्छे पैसे कमा सकते हो वहाँ पे। और दूसरा, आपको अगर रेजिडेंट वहाँ का मिल जाता है, वो मिल जाएगा अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे जा सकती है। एजुकेशन सिस्टम उनका जो है वो हमारे कंट्री से थोड़ा अच्छा होगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा जी, वो तीन बिजनेसेस वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है आईटी, उसका जो टैक्स है ना वो है 7%, बाकी बिजनेसेस से कम है 7%। और दूसरे बिजनेसेस आप करते हो वो 12% है, उसका फ्लैट रेट है 12%। तो आईटी के जो दोस्त हैं अगर वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं और वो जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, अच्छी इनकम उनके पास लिंक्स हैं वर्ल्ड वाइड, प्लीज़ वो वहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत वो आपको वीज़ा भी बहुत इजी मिल जाएगा अगर आप आईटी पे जाके वहाँ पे, अगर इनविटेशन आप उनके डिपार्टमेंट से भी मांगते हो स्टेट से, तो आपको आईटी में इजीली आपको दे देंगे। दूसरा जो बिजनेस है वो है फूड का।
फूड मीन लाइक क्या इफ रेस्टोरेंट्स टेक वेज और या बेकरी, ये तीन चीज़ें जो मैंने वहाँ पे विज़िट किया मैंने देखी हैं वहाँ पे। मैं जितने भी रेस्टोरेंट्स में गया हूँ एंड टेक वेज में गया हूँ बहुत बिजी हैं, स्पेशली कैशनाओ। मैं कैशनाओ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं पे रुका था। वहाँ की टाइमिंग जो है वो दूसरे यूरोप की तरह नहीं है कि शाम को टेक वे आप या रेस्टोरेंट ओपन करें आफ्टर 3 o'clock, मैक्स 3 o'clock इन द इवनिंग एंड अनटिल लेट नाइट, वो इस तरह का चक्कर नहीं है। वहाँ पे मैक्सिमम मैक्स नून 12 o'clock, 12 बजे दोपहर को उनके रेस्टोरेंट्स टेक वे शुरू हो जाते हैं, तो कुछ जगह पे तो 10 o'clock भी शुरू हो जाते हैं। तो 12 बजे से लेकर रात 10 या 11 बजे तक मैक्स, वीकेंड पे आप 12 बजे तक कर सकते हो, 12 से 12, 12 घंटे का है। वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी फूड के स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि बहुत उसमें मार्जिन है उसमें, क्योंकि वहाँ पे लोग विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं स्पेशली इन द विंटर टाइम। 9 month, सॉरी विंटर मैंने कह दिया, समर टाइम 9 month जो है वो वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट आते हैं जाते हैं। अच्छा मैं एक मुझे छोटी सी बात मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूँ, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना स्पेशली किशनाऊ में, इवन डो के इफ़ यू अगर आप चेक करो ऑल ओवर द मल्डोवा, 70% पीपल हु आर लिविंग इन मल्डोवा उनके पास नेशनलिटी जो है वो रोमानिया की है। वहाँ पे लैंग्वेजेस जो बोली जा रही हैं वहाँ पे इंग्लिश को वो समझते हैं लेकिन सब नहीं, छोटे बच्चे जो हैं अंडर 30 दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, बट अगर 30 ईयर से ऊपर हैं तो वो समझ नहीं सकते। अच्छा वहाँ पे तीन लैंग्वेजेस हैं, तो एक तो उनकी मल्डोवियन है, दूसरी रोमेनियन है, तीसरी रशियन है। ये तीनों ये फ्लुएंटली बोलते हैं और समझते हैं। अच्छा एक तो ये बिजनेस हो गया रेस्टोरेंट का, दूसरा बिजनेस जो तीसरा सॉरी तीसरा है ट्रांसपोर्ट का। अगर आप मैं उनके पैसे भी आपको बताता हूँ यूरोज में कितने कितने लग सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आपके पास थोड़े सेविंग है आप, मैं रिकमेंड करूँगा फूड बिजनेस, आईटी बिजनेस या ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे आप इन्वेस्ट करो। आप वहाँ पे बैठ के एज मैंने जैसे कहा था कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत चीप है, मतलब कि 150 यूरो से लेके 250 यूरो तक, 250 यूरो तक आपको बेहतरीन 2 bedroom अपार्टमेंट मिल जाता है किशनाऊ के अंदर में, और 100 यूरो जो है वो आपका एक्सपेंस आ जाएंगे फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रॉसरी एंड बिल्स एंड ETC। तो ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप बैठ के कर सकते हो। जिस किसी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ वो मुझसे रब्ता करें, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी अपना नंबर दिया था, मुझे सिर्फ प्लीज़ आप मैसेज कीजिएगा, तो जब भी मुझे टाइम मिला मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। जो इंटरेस्टेड होंगे ऐसे टाइम अपना भी ज़ाया नहीं कीजिए, मेरा भी ना करें प्लीज़। तो अच्छा जो है अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, और फूड इंडस्ट्री शुरू हो जाती है 12,000 यूरो से लेके 15,000 यूरो तक, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं इंशाल्लाह अपने मेरे जितने भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं और जो लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं मैं आपसे उनका जो है वो रब्ता करवा सकता हूँ। दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट का भी ऐसे ही है, वो तकरीबन 20,000 से 24,000 के बीच में हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस अच्छे खासे आप बैठ के पैसे कमा सकते हो, अगर आप हाफ भी इवन कर लो तो, या कोई दो आदमी मिल के 24,000 यूरो कर लें आप, तो दोनों के वीज़े भी निकल आएंगे, इंशाल्लाह बिज़नेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप उतने पैसे जो अकेला आदमी है तकरीबन इसका मिनिमम जो है वो 4,000 यूरो पर मंथ आप इजीली बैठ के घर बैठ के कमा सकते हो।
अगर थोड़ा सा आप खुद भी मेहनत करो ट्रांसपोर्ट के काम में, तो इससे ज़्यादा भी पैसे, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये हो सकता है। तो अच्छा, उसमें ये दो चीज़ें हैं कि एक तो अगर आप फुल ऑनरशिप लेना चाहते हो, नॉन ईयू नेशनल हो, आप ये होगा नहीं अनलेस अनटिल के यू विल गेट योर रेजिडेंट परमिट, देन यू आर एलिजिबल टू चेंज योर वीज़ा डेजिग्नेशन। और जी, अगर जितनी देर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं आ जाती, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप डिपेंडेंट हो 50% मलदोवियन पर्सन के ऊपर। तो अगर आपने ये करना है अकेले में, तो तब भी आप मुझे बताओ, अगर आपने मलदोवियन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तब भी ठीक है, अगर दो आदमी भी हो आप, तो मैं कुछ ना कुछ करके मैं वो भी करवा के दे सकता हूँ। मैं मतलब खुद ना कोई एजेंट हूँ ना कुछ, सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो खैर, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिजनेस शुरू किया है, तो मेरा अगस्त तक है मेरा प्लान, 2024 अगस्त तक मेरा हो जाएगा सेटअप पूरा कंप्लीट। तो मैं इंशाल्लाह एक तो वीक में मैं दोबारा जा रहा हूँ मंडोवा, तो आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद हो सके। तो जो प्लीज़ जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कीजिए, अगर आप रियली सिंसियर हो। थैंक यू सो वेरी मच जी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, गुड लक।